नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पैसों के लेन देन में जीजा ने कर दी साले की हत्या। सटई में बीच बस स्टैंड पर चली गोली, जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर जिले के सटई थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के बस स्टैंड पर सोमवार को सरेआम एक युवक को गोली मार दी गयी और अस्पताल ले जाते वक्त युवक की मौत हो गयी। घटना के बाद पूरे नगर में सनसनी फैल गई और पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि मृतक पर गोली चलाने वाला उसका जीजा है, जिसने लेनदेन के चलते गोली मारकर अपने साले की हत्या कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी जीजा के घर पर भी दबिश दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सटई निवासी चमन अली का पैसों के लेन देन को लेकर अपने दामाद अबरार अली पुत्र रहमत अली उर्फ कुरके निवासी खटकियाना मोहल्ला छतरपुर से विवाद चल रहा है। विगत 6 फरवरी को अबरार ने सटई जाकर अपने ससुर चमन अली से काफी विवाद किया था। उस वक्त चमन के पुत्र मुस्ताक, इशाक और इस्ताक ने विवाद को शांत कराकर सटई थाने में शिकायत की थी। सोमवार की शाम करीब 5 बजे चमन का पुत्र इस्ताक अली सटई के बस स्टैंड पर था, तभी उसका जीजा अबरार अली अपाचे बाइक से अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और इस्ताक पर गोली चला दी, जो उसके पेट में लगी। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। आनन फानन में इस्ताक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बिजावर SDOP रघु केसरी, सटई थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए और प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर छतरपुर में सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू और कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी ने भारी पुलिस बल के साथ देर शाम अबरार अली के निवास पर दबिश दी है। सटई संवाददाता मनोज सोनी की रिपोर्ट। मेरे पिताजी का नाम चमन साह है, मेरा भाई वेदन पे खड़ा था, ठीक है। हमारा भाई वेदन पे खड़ा तो अपाची गाड़ी से 4 लोग आए, अबरार, बिट्टू उनका लड़का, उनका बड़ा लड़का बिट्टू और 2 पहचाने नहीं है, 2 जान था, आजाद है, वो शहजाद भी है साथ में शायद, और 4-5 भैया जी हो रहे हैंगे, इन्होंने साजिश रची मारवे की, वो आज गोली मार के चले गए जी हो रहे हमारे छोटे भैया। 6 तारीख का धमकी दी गई थी हमें कि हम भूंडार भी एक एक खां, हम थाने में भी आए थे रिपोर्ट लिखवावे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, आज हमारे भज्जा है गोली मार दी, हमारा भज्जा खत्म हो गया। अब बताओ हमें इंसाफ तो मिले है, मिलो रिपोर्ट डार भी आए थे हमें जो दाओ तो रिपोर्ट नहीं जो दे दो तो सोहेल चच्चा सपोर्ट कर रहे थे उनको बहुत तेज, आजाद ने फोन लगाओ तो उनका आजाद के पास नंबर 2 की बंदूक है, गांजा भी बेचते, सुबह घूस खिलाते सोहेल चच्चा खां, सोल चच्चा सपोर्ट कर रहे थे पूरे अबरार अली उनके मोहल्ला के यहाँ उनके बगल के यहाँ सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने कछु नहीं लिख के दो जो दो कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई होती तो आज गोली घल दी हमारे भैया का, भैया मार तो हमाओ मर गो भैया हमाओ या सुनो ये मर गो गोली घलिए बगल में। हेलो जो दाई गई हमें, हेलो